भाजपाइयों के लिए अंगूर खट्टे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ कुछ और राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और जिस हिसाब का माहौल बन रहा है उससे एक बात तो तय है कि भाजपा की हर जगह लुटिया डूबने वाली है और जब हार सामने हो तो भाजपाइयों के यूं भी पसीने छूटने लगते हैं और भाजपाई अनाप शनाप बोलने पर उतर आते हैं। राजस्थान में तो भाजपा का इतना बुरा हाल है कि अब भाजपाइयों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे राजस्थान में अपनी कटी हुई नाक को बचाया जा सके। राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अब तो बेचारे अंधभक्त भी कंफ्यूज है कि आखिर सपोर्ट करे भी तो किसको। एक ऐसा ही भाजपा का चेहरा जो खुद को राजस्थान का मुख्यमंत्री मानकर बैठ गया है, बेचारे इस भाजपाई नेता को कांग्रेस सरकार के वापस आने की बात सोच कर ही इतना सदमा लगा है कि ये व्यक्ति कुछ भी बोलने पर मजबूर हो गया है। जयपुर के झोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक ऐसी बात कही है जिसको सुनकर हंसी भी नहीं आ रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके हजारों लाखों लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं। राठौर ने कहा कि इनमें कौन सी एजेंसियां शामिल हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये हंसने वाली ही बात है ना कि ये बात उस दल का नेता कह रहा है जिस दल ने चुनावों में धांधली से लेकर खरीद फरोख्त करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और बेशर्मी के साथ लोकतांत्रिक सरकारों के पीठ में खंजर घोंप कर अपनी सरकार बनाई है। ऐसी बेशर्मी सिर्फ भाजपाइयों में ही आ सकती है। भाजपा को राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपनी हार सामने नजर आ रही है और इसलिए बेचारे अपने दिलों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता अब इन भाजपाइयों की बातों में नहीं आएगी क्योंकि जनता को अब समझ आ गया है कि भाजपाइयों, अंधभक्तों और नरेंद्र मोदी के आंसू घड़ियाली आंसू है जो सिर्फ वोट बैंक को देख कर निकलते हैं।